ओके स्टूडेंट्स, सो आज हम डिस्कस कर रहे हैं एपिसोड नंबर हमारा 31, राइट। एपिसोड 31 में हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, 72 से लेके 74, 75 जो भी क्वेश्चंस पॉसिबल होंगे वो हम सब डिस्कस कर रहे हैं। सो आइए, क्वेश्चन नंबर 72 हम देख रहे हैं, पास्ट एडजस्टमेंट हमारा टॉपिक चल रहा है। क्वेश्चन 72 सेज, ऑन 31 मार्च 2014 द बैलेंसेस इन देयर इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ सरोज महिंदर एंड उमर आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट 80, 60 एंड 40, यानी इनका जो कैपिटल है वो क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है हमारे पास, हमने प्रॉफिट और ड्रॉइंग्स का एडजस्टमेंट कर लिया। तो क्लोजिंग कैपिटल से पहले ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी, हमें पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट होता है। जनरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो नहीं दिया होता पास्ट एडजस्टमेंट में, दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूँ। एक बार क्वेश्चन आगे और रीड करते हैं। सब्सिक्वेंटली इट वॉज डिस्कवर्ड दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स हैज बीन ओमिटेड, आगे बात इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमने नहीं दी है। The profit for the year ended 31st March 2014 was 80,000. Profit जो है वो 80,000 का हुआ था। During the year, Saroj and Mahinder each withdrew a sum of rupees 24,000 in equal installment in the end of each month, है ना? इन्होंने total 24,000 withdraw किया। Sum of rupees लिखा, जरा a sum of rupee word को underline कर लेना कि Saroj और Mahinder ने 24,000 total withdraw किया है। मतलब अगर अब मैं बात करूँ 1 month में कितना withdraw किया, तो 2,000 टोटल 24,000 है ना, तो एक महीने का 2,000 निकाला, टोटल 12 महीने का 24,000 निकाला, राइट। एंड द एंड ऑफ एट द एंड ऑफ ईच मंथ, और उमर ने निकाला, उमर विड्रो रुपीज 36,000, उमर ने 36,000 निकाला। क्वेश्चन में डेट नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं, 6 मंथ का इंटरेस्ट हम लोग चार्ज करेंगे। द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वॉज टू बी चार्ज एट द रेट 5% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमें 5% पर एनम चार्ज करना है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज टू बी अलाउड 10% पर एनम, राइट। बहुत ईजी क्वेश्चन है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग पार्टनर वॉज 4:3:1, शो योर वर्किंग क्लियरली, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, और ऐसा लिखा दिल्ली 2015 के पेपर का ये क्वेश्चन है, दिल्ली 2015 के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आइए जरा क्वेश्चन 72 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम वर्किंग नोट बना रहे हैं, वर्किंग नोट नंबर 1, यहाँ हम लोग कैलकुलेट करेंगे ओपनिंग कैपिटल और फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो नाम है हमारे पास महेंद्र, सरोज पहले, सरोज महेंद्र, सरोज महेंद्र और उषा है शायद, उमर, उमर राइट। यहां लिख रहा हूं स्टेटमेंट शोइंग ओपनिंग कैपिटल, राइट बच्चों, पर्टिकुलर्स। यहां हम लोग लिखेंगे पहले क्लोजिंग कैपिटल, मेथड कौन सा है क्लोजिंग कैपिटल से हम लोग ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हैं, मेथड कौन सा दिया बेटा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, विदाउट इन्फॉर्मेशन फ्लक्चुएटिंग, अदरवाइज फिक्स्ड, जब मेंशन होता, फिक्स्ड कैपिटल नहीं दे रखा है। 80,000, 60,000, 40,000, दिस इज योर क्लोजिंग कैपिटल, ऐड कर दो ड्राइंग्स, जो इन्होंने ड्राइंग्स की है, अब वो अगेंस्ट कैपिटल हो या अगेंस्ट कैपिटल हो या प्रॉफिट हो, दोनों ऐड होगी इस वाले पॉइंट में, इस वाले क्वेश्चन में तो अगेंस्ट प्रॉफिट दी हुई है, नहीं तो अगर वो कहता कि आपने ड्राइंग्स जो है वो आउट ऑफ कैपिटल इतना किया, तो हमें दोनों ही ड्राइंग्स ऐड करनी है वैसे तो, 24 सरोज का, 24 महेंद्र का और 36 जो है वो उमर का। नेक्स्ट लेस करना है हमें प्रॉफिट, बेटा प्रॉफिट जो है वो टोटल 80,000 का हुआ है और इनका रेशियो है 4:3:1, 4:3:1 में प्रॉफिट माइनस करेंगे 40,000, 30,000, 10,000, राइट, ये आ जाएगी आपके पास ओपनिंग कैपिटल तीनों, 80 और 20, 1,40,000, 64,000 इसकी ओपनिंग कैपिटल आ गई, 54 आ गई महेंद्र की और 66 आ गई उमर की, राइट। एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी के ऊपर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कही गई है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज टू बी अलाउड एट द रेट 10%, ठीक है, तो 10% में निकालता हूँ इसका 6,400, 5,400 और 6,600, राइट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार फटाफट से बच्चों। वर्किंग नोट 2 में मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की कैलकुलेशन करनी है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ओके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आईओसी का जो अमाउंट मेरा निकला है 64,5,400 और 6,600, राइट। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हटा दूं मैं से, चलिए इजी था ये तो, अपने को आता है, नॉर्मल वाली बात है। देखिएगी वर्किंग नोट नंबर 2 में मैं देख रहा हूं
इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला पॉइंट देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में ऐसा लिखा है, ड्यूरिंग द ईयर सरोज एंड महिंदर ईच विदड्रॉ अ सम ऑफ रुपीज 24,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट इन द एंड ऑफ ईच मंथ। समझो यहाँ अ सम ऑफ रुपी लिखा है ना बेटा, तो यहाँ 24,000 को 12 से मल्टीप्लाई मत करने लग जाना, 24,000 ऑलरेडी 12 को मल्टीप्लाई करके आया है। अ सम ऑफ रुपी जो वर्ड है ना वो ये रिप्रेजेंट करता है कि 24,000 पूरे साल भर की ड्रॉइंग इक्वल इक्वल अमाउंट निकाला है एट द एंड ऑफ ईच मंथ, राइट। सो इसका जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा वो मैं लिख रहा हूँ, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, IOD लिख दे। फर्स्ट इज सरोज, सरोज का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे कैलकुलेट होगा, 24,000 का टोटल इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज 5% एट द एंड ऑफ ईच मंथ। अगर आप ड्रॉइंग करेंगे तो कितने मंथ का इंटरेस्ट लगेगा, 5.5। सरोज और महेंद्र दोनों का सेम आएगा, मैं एक वस्तु करके लिख देता हूँ, 20 से 20 कैंसिल हो गया, 12 टू जा 24, 20 इंटू 500, 100 इंटू 550 आ जाएगा। महिंदर का भी सेम सेम कैलकुलेशन आ गई 550, क्योंकि इसने भी 24,000 ही निकाला है। और नेक्स्ट है, क्या नाम बताया इसने, उमर, उमर उमर का है 36,000 रुपीज, राइट। 36,000 का 5% इंटू, जब क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्रॉइंग नहीं गिवन होता तो बेटा 6 मंथ का हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, तो आप 6 2 12 कट कर लीजिए, 2 से कटा 180 टाइम, 18 5 18 5 900, ये 900 रुपए का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आ गया, राइट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। मैं एक बार यहाँ पे अपने पास याद रखने के लिए IOD का वैल्यू लिख देता हूँ, 550 550 और 900, राइट। हटा दे, देखिए अब हमें बनाना है हमारा स्टेटमेंट। सो स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट, तीन पार्टनर्स हैं, कॉलम्स कितने बनेंगे, टोटल चार, एक फर्म का कॉलम होता है, राइट। देखिए जी, फर्स्ट फर्म का कॉलम, सेकंड सरोज महेंद्र, ये सरोज, ये महेंद्र और उमर, ठीक है। डेबिट क्रेडिट का कॉलम देखिए ऊपर लिखेंगे, स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट, स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट पर्टिकुलर्स। सबसे पहला काम क्या करना है, प्रॉफिट क्या हमने रॉन्ग रेशियो में डिवाइड किया है क्या, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में प्रॉफिट की बात नहीं लिखी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बस 4:3:2 था ये बताया, और 20 80,000 का प्रॉफिट था, कोई दिक्कत नहीं है आपको, प्रॉफिट टेकन बैक करने की नीड नहीं है, आप सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर दो। ये भी अपन ने निकाल रखा है, 6,400 सरोज को, 5,400 महेंद्र को और 6,600 इसे, 6 और 5 11 और 6 17 18, 18,400 रुपए, 18,400 फॉर्म क्या आ जाएगा डेबिट में, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज कर लो कितना रुपया, 550 तो सरोज से डेबिट में, 550 महेंद्र में और 900 रुपीज उमर में, 2,000 रुपये, ये 2,000 रुपये आपने डाल दिया क्रेडिट में, राइट, मतलब फॉर्म के क्रेडिट में। तो बैलेंसिंग फिगर, अब यहाँ पे फॉर्म को इक्वल करना है, कोई और बात तो दी भी नहीं है, बस ये दो ही चीजें थी, एक तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट नहीं किया था, अब कर रहे हम लोग। 16,400 रुपीज का लॉस होगा, लॉस को डिवाइड करना है 4, 3 और 1 में, राइट। 16,400 डिवाइडेड बाय 8 into 4, ये आएगा सरोज का क्या लॉस, तो मैं सरोज का निकाल लेता हूँ पहले, 4 by 8 है ना, 8,200 आ जाएगा इसका सीधा सीधा सा। और महेंद्र का 16,400 डिवाइडेड बाय 8 into 3, 8 से कट करते हैं, 8 2 16 0, 8 5 40, 2,050 into 3, ये आएगा 6,6150, राइट। और इसका आ जाएगा 1 by 50, तो 2,050, तो अपन लोग लिख लेते हैं लॉस है 8,250 सरोज में, 6,150 महेंद्र में और 2,050 उमर में, टोटल कर लेते हैं, ठीक है। एक बार टोटल चेक कर लेना सही आ रहा है कि अपना लॉस जो है वो सही बांटा है कि हमने, अठारह चार सौ में से 16,400, 16,400 डिवाइडेड बाय 8, 8 2 16, 8 5 40,
हाँ 2015 टू फोर, दो चौक 8,000। हाँ सही है, टोटल मान लिया 18,400 सेम, यहाँ पे फॉर्म का टोटल सेम, यहाँ पे मैच 8,250 और 550, 8,800, 6,400, यहाँ 6,150 और 5,50, 6,200, 6,700, यहाँ 5,400, यहाँ 2,950 और यहाँ 6,600। बहुत ज्यादा गैप नहीं हो गया? 2,950, ठीक है देखते हैं। मैच इधर का टोटल, इधर 8,800, इधर 6,400, कितना डिफरेंस है? 200, 2,200 रुपीज का, 2,400 का, सॉरी 2,400 से सरोज डेबिट। देखें आंसर बैठ रहा है कि 24 से सरोज डेबिट? नहीं जी, आंसर में कहीं ना कहीं मिस्टेक है भाई, कहीं ना कहीं टोटल में मिस्टेक आ रहा है, वेट कीजिएगा एक बार। एक बार प्रॉफिट फिर से देखिए, प्रॉफिट में कहीं मिस्टेक आ रही है क्या भाई? लॉस, आई मीन लॉस मैंने डेबिट में लिखा ना इनके, ठीक है। 16,400 को एक बार डिवाइड करना भाई 8 से, सही हो रहा है क्या? 8 2 जा 16 0, 4 में नहीं जाएगा, 8 5 जा 40 होता है, ये तो सही है। 2,050 × 4, 8,000, 8,200, अच्छा ये 200 रुपये आता है भाई, 8,200 रुपीज आता है, ये मिस्टेक हो गई। यहाँ पे 8,200 था, मैंने 250 लिख दिया, दिस इज द मिस्टेक। 2,015 × 3, ये बाकी सब सही है। यहाँ पे बैठेगा आपका 8,750, तो यहाँ पे 2,350 रुपये का डिफरेंस बैठेगा, 2,350 सरोज डेबिट होगा, राइट। और इधर आ जाएगा 6,700 और 5,400, 300 रुपये यहाँ कम है, एक 300, 1,300 रुपये यहाँ कम है, 1,300 रुपये महेंद्र डेबिट, और टोटल ये यहाँ आ जाएगा 3 2, 3,650 रुपये, 3,650 रुपये यहाँ पे क्रेडिट उमर में, राइट। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई यहाँ तक, ये कैलकुलेशंस में हटा देता हूँ। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इतना एंट्री पास कर देता हूँ मैं, सरोज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,350, महेंद्र का कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,300 टू उमर, टू उमर, उमर्स कैपिटल अमाउंट आ जाएगा 3,650, राइट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, 72 क्वेश्चन डन। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, चले आगे, हटा देते हैं जी। कोई डाउट यहां तक? 72 क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो पूछ लो भाई, 73 पे आ रहे हैं फिर। चल सेवेंटी थ्री क्वेश्चन हम लोग अपडेट करेंगे, क्वेश्चन 73 देखिए क्या कहता है। कैपिटल ऑफ काजल, नीरव एंड अलीशा एज ऑन 31 मार्च 2021 अमाउंटेड टू रुपीज 90,000, 3,30,000 एंड 6,60,000 रेस्पेक्टिवली। समझो हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल दीवन है काजल, नीरव और अलीशा की, ये क्लोजिंग कैपिटल है, 31 मार्च 2021 की कैपिटल बता रहा है। प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,80,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 4:1:1। हमने प्रॉफिट को 4:1:1 में बांट दिया था, प्रॉफिट था 1,80,000 का। आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अंडरलाइन करना आफ्टर, आफ्टरवर्ड है, मतलब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दिया है 10% पर एनम के हिसाब से, राइट। सो ड्यूरिंग द ईयर ईच पार्टनर विड्रो 360, 3,60,000 हर पार्टनर ने ड्रॉइंग किया, ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट ही होगा ये। द पार्टनरशिप डीड वॉज साइलेंट एज टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओहो देखो अब इस क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड में पार्टनरशिप डीड साइलेंट है एज ऑन एज टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस रेशियो में बांटा जाएगा वो लिखा ही नहीं है। तो हमें पता है प्रोविजंस एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड वाला जो टॉपिक पढ़ा था, जब पार्टनरशिप डीड में अगर कोई भी लाइन साइलेंट हो, मतलब उसके बारे में कुछ ना लिखा हो, तो हम उसे वो वाले प्रोविजंस अप्लाई करेंगे जो हमने पढ़े थे। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर साइलेंट है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होना चाहिए। हमने बाय मिस्टेक 4:1:1 में प्रॉफिट शेयर किया है, राइट। सो एक तो प्रॉफिट की मिस्टेक है, या प्रॉफिट टेकन बैक लेना कंपलसरी होगा। नेक्स्ट, बट प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम। अच्छा, और पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% देना है और हमने दिया कितना 10%, तो यहाँ पे 2% का गैप और है,
राइट। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है आपको, नेसरी एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है और अपनी वर्किंग को क्लियरली बताना है। देखिए यहाँ पे एक चीज को अंडरलाइन कीजिएगा, आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया है, उसके बाद का प्रॉफिट 81 पड़ा है, राइट। सो इसका मतलब जो क्लोजिंग कैपिटल है उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इंक्लूडेड है, हमें वो भी हटाना पड़ेगा, राइट। सो ये क्वेश्चन सिमरत और बिर जैसा कुछ सिमिलर टाइप का क्वेश्चन बैठ रहा है भाई, देखना मैं इसको सॉल्व करवाता हूँ आपको। सबसे पहला काम हमारा जो होगा वो ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि देखो हमें एडजस्टमेंट क्या करना है, प्रॉफिट टेकन बैक करना है, इजीली कर लेंगे, 4:1:1 है, उसमें टेकन बैक करना है, डिस्ट्रीब्यूट इक्वल करना है, राइट। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% की जगह 12% देना है, तो 2% मुझे ओपनिंग वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए पहला स्टेटमेंट बन रहा है वर्किंग नोट नंबर 1 बोल दीजिए इसे आप, मैं यहाँ लिख रहा हूँ पार्टनर्स कितने हैं, काजल, नीरव और तीन पार्टनर्स है, काजल, नीरव, नीरज है, नीरव, नीरव और अलीशा। ऊपर लिखे हैं स्टेटमेंट शोइंग ओपनिंग कैपिटल, राइट। पर्टिकुलर देखिएगा कैसे निकालना है, क्लोजिंग कैपिटल हमें लेनी है, मेथड कौन सा है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, राइट। विदाउट इंफॉर्मेशन फ्लक्चुएटिंग ही ट्रीट होगा। 90,000 काजल की कैपिटल है, 3,30,000 नीरव की कैपिटल है और 6,60,000 अलीशा की कैपिटल है, राइट। तीनों की कैपिटल गिवन है हमारे पास क्वेश्चन में। अब इसमें मुझे ड्राइंग्स भी ऐड करनी है, कौन सी ड्राइंग्स, आपके पास क्वेश्चन में 360 दे रखी तीनों की ड्राइंग्स, 3,60,000 रुपीज, राइट। और प्रॉफिट लेस करना है, प्रॉफिट भी लेस करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लेस करना है। तो प्रॉफिट पहले हमने बांट दिया 180, 4:1:1 में, पहले ये टेकन बैक प्रॉफिट को हम लोग पहले बांट करके देखते हैं कि किस रेशियो में बांटा हुआ है, 6, 6 से डिवाइड होगा कितना बचेगा, देखो 180 डिवाइडेड बाय 6, 6 18, 30, 30,000 इंटू रेशियो क्या था, 1:1, 4:1:1, तो 1,20,000 रुपए और 30,000, 30,000। ये जो प्रॉफिट हमने बाय मिस्टेक जो रॉन्ग रेशियो में बांटा हुआ था ना, वही एक बार लेस करेंगे, क्यों, क्योंकि हमने जब क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट किया है तो वहां पे प्रॉफिट इस रेशियो में लिया हुआ है 4:1:1 में। थोड़ा सा यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है भाई, रेशियो कौन सा लिया जाएगा, रॉन्ग वाला रेशियो ही प्रॉफिट, यहाँ पे जब कैपिटल ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे तो प्रॉफिट जो माइनस होगी वो रॉन्ग रेशियो में माइनस होगी, क्योंकि रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट की हुई है, राइट। अब अगेन वही वाली बात आ गई, मैं लिख रहा हूं ओपनिंग कैपिटल बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आफ्टर, आफ्टर आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमारे पास अभी जो ओपनिंग कैपिटल आ रही है उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमने माइनस कर रखा है ऑलरेडी, राइट। तो अब मुझे क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकालेंगे, पहले टोटल मार ले, 450, 450 में से ये 330 बचेगा, 120 क्या, तो 330 में से 30 क्या, 3,660 बचेगा, ये 660 में से 30 क्या, 630, 990, राइट। ये हमारे पास कैपिटल आ गई है, कौन सी वाली कैपिटल बेटा, ये कैपिटल आ गई हमारे पास आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद वाली कैपिटल है, मुझे बिफोर वाली चाहिए, तो मैं इसमें से लेस करता हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब बात है सर ऐसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम तब निकाल पाएंगे जब हमारे पास ओपनिंग कैपिटल होगी। सो आ जाओ सेम फॉर्मूला याद करो, सिमरत और बिर वाला क्वेश्चन, अभी ओपनिंग कैपिटल आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाली आ रही है, नीचे वाली, आफ्टर लिखने की जरूरत नहीं है। तो आई एम अज्यूमिंग दैट दिस कैपिटल इज 100%, ये 10%, तो ये 110%, राइट। याद होगा आपको मैंने फॉर्मूला लिखवाया था एक बार, इसको हम लोग 100% ट्रीट करेंगे, राइट। सो फॉर्मूला क्या है, अगर मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है या मुझे ओपनिंग कैपिटल निकालनी है डायरेक्ट, तो देखिए कैसे निकलेगा, मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालूंगा, फॉर्मूला इज 3,30,000 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 10, इससे निकलेगा कौन सी कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऐसे इसका 660 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 10, 990
लैख डिवाइडेड बाय 110 इंटू 10, तो बेटा यहाँ आएगा 30,000 रुपए, यहाँ 60,000 या 90,000, 30, 60 और 90 आप आराम से निकालना। ओपनिंग कैपिटल आएगी 3 लाख, 6 लाख और 9 लाख माइनस करने के बाद। याद करो ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, जो बच्चा इस फॉर्मूले में कंफर्टेबल ना हो एक्स अज्यूम करके कर ले, लेट द आप ऐसे कर सकते हैं, इसे अज्यूम कर लो एक्स, ये एक्स का 10%, ठीक है। फिर आप अपना पूरी कैलकुलेशन बनाओ, कैसे कैलकुलेशन बनेगी, ओपनिंग कैपिटल इक्वल्स टू फॉर्मूला बनाओ या क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू करके फॉर्मूला बनाओ, फिर इक्वेशन बनेगी पूरी, फिर एक्स को सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स तौर पे, और नहीं तो एक फॉर्मूला लगाओ गेम खत्म। अपॉन 110 क्यों किया मैंने, 100 प्लस टैक्स रेट, मैंने आपको पहले बता रखा है इसका फॉर्मूला, याद होगा आपको फॉर्मूला मैंने बताया था, प्रॉफिट आफ्टर आईओसी डिवाइडेड बाय 100 प्लस जो रेट है आईओसी का रेट इनटू 10। भाई अगर रेट से मल्टीप्लाई करोगे, बाद में मल्टीप्लाई करके रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा इसी में, है ना, और अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्ट आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल, राइट। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भाई, 9 लाख नीचे वाला थोड़ा सा कम दिख रहा होगा आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आज हमारे 74 75 भी नहीं हो पाएंगे, 73 तक ही हम कर पाएंगे। ले लिया जी, चले अब बस, अब इस पे निकाल दो, ओपनिंग कैपिटल आपके पास आ गई 3, 6 और 9 लाख, मुझे थोड़ी सी यहाँ पे रखनी पड़ेगी ताकि मैं 3, 6 और 9 लाख इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर पाऊँ, राइट। हटा दें इसको, चलिए अब बस बेटा स्टेटमेंट बनाना है इस क्वेश्चन का भी। तीन पार्टनर्स हैं, एक फर्म का कॉलम और तीन पार्टनर्स, लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग पास एडजस्टमेंट फॉर्म, क्या नाम बताया आपने इसके, काजल नीरव और अलीशा, दोनों में दो दो कॉलम्स बना दीजिए, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, ठीक है। अब अपने को यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करना है बेटा, सबसे पहला काम हमें करना है प्रॉफिट टेकन बैक करना है, क्योंकि हमने प्रॉफिट गलत रेशियो में बांटा है, हमें बांटना इक्वल चाहिए था। प्रॉफिट कितना था हमारे पास, 150, 180, 180 को 4:1:1 में लेंगे वापस, 4:1:1 में वापस लिया, 120 तो इससे लिया, ठीक है, और 30,000 इससे लिया, 30 इससे लिया, टोटल 180 फर्म के क्रेडिट में आ गया, एल लिखा है मैंने, राइट। फिर मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% वापस लेकर के 12% दे दू, इजी रहेगा ना, ऐसे कर ले, या आप कहो तो डिफरेंस 2% दे दे, जैसे आपको सही लगे, मैं डिफरेंस 2% देता हूँ, आईओसी प्रोवाइडेड एट द रेट 2%। भाई बात तो ये है ना, 10% वापस लेकर के 12% दो, देना तो 2% ही है ना मैं एक्स्ट्रा, तो 2% दे देते हैं सीधा, 3 लाख का 2%, 3 दुनी 6,000 रुपए, 6 दुनी 12,000 रुपए और 9 2 18, 30, 36,000, 36,000 फॉर्म के कर दो डेबिट में, राइट। इतना क्लियर होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वगैरह की तो बात है ही नहीं क्वेश्चन में। चलिए तो हम लोग प्रॉफिट वगैरह जो है वो निकाल लेते हैं, प्रॉफिट कितना आ रहा है देखिए, बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट निकाल दें, 136 में से 180 में से 36 गया, 30 गया, 150, 144, 144 का प्रॉफिट हो गया। इसे अब इक्वल बांटना है बेटा, तीन पार्टनर्स में इक्वल बांटना है, बिकॉज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले हमने गलत लिख रखा था, जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो प्रॉफिट इक्वल बढ़ता है, 1,44,000 डिवाइडेड बाय 3, 3 4 12 बचेंगे 2, 3 8 24, 48,000 ईच, तीनों का 48,000 रुपीज का प्रॉफिट आएगा, टोटल मार लीजिए, एंट्री पास कर लीजिए, क्वेश्चन डन। यहाँ पे 180 मैच, फॉर्म हमेशा मैच होगा, और यहाँ 120, यहाँ आएगा 6,000 और 40, 54,000, यहाँ 30, यहाँ 60, यहाँ 30, यहाँ 56, 66, राइट। ये मैच यहाँ कितना डिफरेंस आ रहा है, 60, 66,000,
66,000 क्या डेबिट होगा? काजल। और 30,000 नीरव क्रेडिट, और 36,000 से क्या क्रेडिट होगा? अलीशा। फटाफट से एंट्री पास कर लेना, एंट्री पास कर लो यहाँ पे। काजल डेबिट, मैं काजल के आगे सिर्फ डेबिट लिख दूं, कैपिटल आप लिख देंगे, स्पेस थोड़ा सा कम है। टू नीरव 30,000 और टू अलीशा 36,000, राइट। सो ये क्वेश्चन आपका 73rd कंप्लीट होता है बेटा। राइट, क्लियर है? चलिए, अब जो दो क्वेश्चंस और हैं वो आज के क्लास में तो वैसे भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उसमें एक नया टॉपिक और है। टॉपिक इन द सेंस, अभी हमने पास्ट एडजस्टमेंट्स ऐसे स्टेटमेंट बना करके सॉल्व किया है ना, अब एक क्वेश्चन आएगा जिसमें हमें एंट्रीज पास करनी है, राइट। पी एंड एल एडजस्टमेंट के थ्रू एंट्रीज होती है, वो भी करवाएंगे। वो थोड़ा सा नया मेथड है, ईजी है, आ जाएगा। तो आज तो वो पॉसिबल नहीं होगा, कल की क्लास में नेक्स्ट दो क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे, देन हम लोग फिर जो है नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो लास्ट टॉपिक होगा गारंटी वाला। अब कोई डाउट हो तो पूछ लो, अदरवाइज आज की क्लास यही ऑफ होती है बेटा।